Assalamu alaikum class 6. Today you will learn the exercise of lesson number 8. And this is written exercise. A part, write short replies to these questions using yes I am, no I am not, yes it is, no it is not, yes he is, no he is not, yes they are, no they aren't. So ye short replies karni hai, short answers deni hai. Number 1, is your pen on the desk? The question is your pen on the desk? Yes, it is. Ab is question mein is hai, to question mein jo is hai, answer mein bhi is use karenge. Aur answer mein is number 3 pe aayega. Number 2, are your friends in the classroom? Yes, they are. Ab is question mein are use hua hai, to answer mein number 3 bhi hum are use karenge. Number 3, is your shirt yellow? No, it is not. Ab no mein jab lagayenge to aage not use karenge aur iski matching karenge number 3 pe. Are your books torn? No, they are not. Next है जी हमारे पास ये are the walls of your classroom green? No, they are not. Am I a policeman? No, you are not. अब इसमें I को आप I है pronoun तो उसको you बनाएं क्योंकि question में I है कि am I a policeman? No, you are not. जब no use करेंगे तो आप end पे not भी use करेंगे. Next 7 है is your mother a teacher? Yes, she is. अगर वो teacher हैं तो yes she is. अगर वो नहीं है तो no she is not. Mother के लिए she use करें. Number 8, are you a school boy? Yes, I am. और अगर आप girl हैं तो no, I am not. Are you a school girl? No, I am not. Boys लिखेंगे और girls लिखेंगे yes, I am. Number 10, is your pen broken? क्या आपका pen टूटा हुआ है? No, it is not. Pen के लिए pronoun it लगाएं और is number 3 पे लगाएं. Is the principal of your school a man? Yes, he is. Principal के लिए he लगाएं और is की matching करें number 3 पे. Is the principal of your school a woman? No, she is not. इस पूरी ए पार्ट में आपने सीखा है कि अगर क्वेश्चन में इज है तो आंसर में भी इज, क्वेश्चन में आर है तो आंसर में भी आर. नंबर 3 पे यूज करेंगे. अगर यस है तो फिर उसको कंप्लीट कर देंगे. अगर नो है तो एंड पे नॉट भी यूज करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है. लिखा हो गया फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूज यस आई वॉज, नो ही वॉजेंट, यस दे वर, नो दे वरंट. द क्वेश्चन नंबर 1 इज वॉज इट हॉट यस्टरडे? यस इट वॉज. अब क्वेश्चन में अगर वॉज है तो आंसर में भी वॉज यूज करें. क्वेश्चन में वर है तो आंसर में वर यूज करें. अगर यस है तो वॉज खत्म कर दें और अगर नो है तो आगे नॉट भी यूज करें. आगे नंबर 2 है वर द पीपल एक्साइटेड? नो दे वर नॉट. अगर थे एक्साइटेड तो लिख देंगे यस दे वर. नंबर 3 वॉज आई द मैन हु गेव यू द एप्पल? नो यू वर नॉट. अगर यस होगा तो यस यू वर. आई प्रोनाउन को चेंज करें यू बनाएं और यू को आई बना दें आंसर में. नंबर 4 वॉज योर फादर अ पीपल एट योर स्कूल? नो ही वॉजेंट. नेक्स्ट वॉज योर मदर अ पीपल एट योर स्कूल? नो शी वॉजेंट. नंबर 6 वर यू एंड योर फैमिली एवर इन इंग्लैंड? नो वी वर नॉट. नंबर 7 वॉज योर फर्स्ट टीचर अ वुमेन? यस शी वॉज. फर्स्ट टीचर के लिए शी लगाएं. नेक्स्ट नंबर 8 वर योर फ्रेंड्स वेटिंग फॉर यू इन दिस मॉर्निंग? यस दे वर. अगर वो इंतजार कर रहे थे तो यस दे वर, अगर नहीं कर रहे थे नो दे वर नॉट. नेक्स्ट हमारे पास है जी सी पार्ट. और सी पार्ट में हमने सीखना है हैव और हैज का इस्तेमाल. यस आई हैव, नो आई हैव, नो आई हैव नॉट, यस ही हैज, नो ही हैज नॉट, और इसी तरह यस दे हैव और नो दे हैवंट. नंबर 1 है हैव वी फिनिश्ड द एक्सरसाइज? यस वी हैव. और हैव की मैचिंग करेंगे नंबर 3 पे. हैज द क्लॉक स्टॉप? नो इट हैजंट. नंबर 3 हैव यू एंड योर हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? यस आई हैव. हैव की मैचिंग नंबर 3 पे. हैज इट रेन्ड लेटली? यस इट हैज. एंड नंबर 5 हैज योर मदर गिवन यू योर डिनर? यस शी हैज. एंड नंबर 6 हैव योर फ्रेंड्स हेल्प यू विद दिस एक्सरसाइज? यस दे हैव. फ्रेंड्स के लिए दे लगाएं और हैव की मैचिंग करें नंबर 3 पे. हैव यू एवर हैड अ कोल्ड? यस आई हैव. हैव की मैचिंग करें नंबर 3 पे. और नंबर 8 है हैव आई हर्ट यू? नो यू हैव नॉट, या यो नो यू हैवेंट. आई को यू बना दें. और नंबर 9 हैव यू एंड योर फ्रेंड्स एवर गॉन फिशिंग? यस वी हैव लगा दें और अगर नहीं गए तो नो वी हैव नॉट. नो लगाएं तो आगे आप नॉट भी यूज करेंगे. नेक्स्ट है जी हैव वी फिनिश्ड एक्सरसाइज? यस वी हैव. हैव की मैचिंग करें नंबर 3 पे. इस तरह बच्चों आज आपने इज एम आर का यूज, इजेंट आरंट वाजेंट वाज और वरंट और वर और हैज हैजेंट हैव और हैवेंट का इस्तेमाल किया है. तो जो क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वही आप आंसर में नंबर 3 पे यूज़ करेंगे. आई को यू बना दें, यू को आई बना दें और इस तरह आप लर्न करें किस तरह से शॉर्ट आंसर्स देनी है. रिवाइज इट एंड लर्न इट. अल्लाह हाफिज़.